पर्यटन तथा उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए विंध्य क्षेत्र के रीवा और सिकरौली जिले को आज एयर टैक्सी की सौगात मिल गई है। पीएमसी पर्यटन वायु सेवा के तहत भोपाल से जबलपुर होकर रीवा तथा सिकरौली जाने वाली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। पहले दिन एयर टैक्सी में सिरमौर विधायक देवराज सिंह सहित 5 यात्रियों ने यात्रा की। यह एयर टैक्सी अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे देरी से रीवा पहुंची, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सभी यात्रियों का स्वागत किया और एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर सिगरौली के लिए रवाना किया। आपको बता दें, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रातः 9 बजे एयर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। एयर टैक्सी भोपाल से प्रस्थान कर जबलपुर के डुमना विमानतल पर पहुंची। इसके बाद जबलपुर से प्रस्थान कर एयरपोर्ट रीवा पहुंची। रीवा पहुंचने पर एयर टैक्सी के प्रथम यात्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद एयर टैक्सी रीवा से प्रस्थान कर सिकरौली हवाई पट्टी पहुंचेगी। इस दौरान रीवा से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर सिकरौली के लिए रवाना किया। पहली यात्रा कैसा लग रहा? नहीं, पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं हमारे मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे विंध्यवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात करी है। इसमें हमारा महाकौशल और जबलपुर, रीवा और सिंगरौली तीनों को जोड़ने का काम भोपाल से हमारी राजधानी से किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे इस विंध्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा है। हमारा एयरपोर्ट भी अब बहुत जल्दी बन करके तैयार होगा, तो आगे भी मैं आशा करता हूँ कि और भी अच्छी फ्लाइट सबको यहाँ पर प्राप्त होंगी। विंध्य के विकास को पंख लग रहे हैं, बिल्कुल पंख उड़ने लगेंगे। पहली हवाई यात्रा है, आपको क्या कुछ तकनीकी फॉल्ट दिखा या फिर आप? नहीं, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी यात्रा थी। निश्चित रूप से आज पहला दिन था तो थोड़ा सा कार्यक्रम के कारण थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन बहुत ही सुगम रूप से हम लोग, हमारे ओला जी इसके मालिक भी हैं, हमारे साथ पवार जी भी आए हुए हैं और सभी हम लोग बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत एक किराया देने की होड़ चल रही थी आपके पिताजी से, चालू हुआ यहाँ, ऐसा लगा कि ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सौगात है, पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अब ये सेवा शुरू की गई है तो क्या रहेगी आगे? हम फ्लाई ओला ग्रुप की ओर से आप सबका धन्यवाद करते हैं और आप लोगों का जोश देख के हमें पूरे मध्य प्रदेश की मीडिया इतने एक्साइट है और सब जगह जन जन तक, गांव गांव हर आदमी के साथ ये मैसेज पहुंचा रही है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और हम और पूरे मध्य प्रदेश को पूरे इंडिया से कनेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में, और जो 32 स्टेट है उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं और 6 एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको सबको कनेक्ट, 38 जगह को हम कनेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये ज्योग्राफिकल मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और उसको कनेक्ट करना से आपकी यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएगी, लोग आएंगे और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री आएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इश्यू होता है किसी भी देश में। तो हम जो सफर लंबा था, जो 12-15 घंटे का था, अब 30 मिनट में पूरा कर पाए। ज्यादातर यहाँ मध्य प्रदेश में जो खजुराहो एयरपोर्ट हमारे पास 30 साल के लिए खजुराहो एयरपोर्ट हम पूरा बनाए और उसको हम मध्य प्रदेश में पहली बार एशिया का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोला पूरे एशिया में। उसके लिए कंपनी का अवार्ड सिंधिया जी, जो ज्योतिराज सिंधिया ने दिया, और फिक्स विंग का FTO 10 जहाज उठते हैं। और मध्य प्रदेश हमारा फेवरेट जगह है। अब मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे, हम एरोस्पेस यूनिवर्सिटी, फ्लाइंग कार, ये सारी चीजें नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं माननीय प्रधान। भोपाल से जबलपुर रीवा होते हुए सिंगरौली तक की पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा लोगों को बहुत बड़ी सुविधा देने का काम करेगा। हम देख रहे हैं कि भोपाल से आने वाले लोग भी फुल थे, अभी 6 सीटर ही प्लेन है और यहाँ से सिंगरौली जाने वाली भी सभी 6 सीटें बुक हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है और ये हमारे इस विंध्य के इलाके को प्रदेश से जोड़ेगा और आने वाले दिनों में वायु सेवा के माध्यम से हमारा क्षेत्र तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा। अभी आपने बताया 72 सीटर प्लेन की फाइनल हो गई है, क्या है और किस तरीके? वो बस एयरपोर्ट के कम्प्लीशन और उसके लाइसेंस जो DGCA से मिलता है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से मिलता है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और वो 15-20 दिन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो आगे चेक करते हैं कि हर चीज़ पूरी है, ATC, DVOR, ये सारा चीज़ें, रनवे, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो वो उनकी प्रक्रिया चालू है और जैसे ही हमको लाइसेंस मिलेगा तो जो ATR 72 चलने का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका था वो अपनी सर्विसेज शुरू करेगा। उसी दिन यहाँ भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी होगा हवाई अड्डे का।
आज तो वायु सेवा का कार्यक्रम है, लेकिन उस दिन हवाई अड्डे का लोकार्पण होगा। कहाँ से? कहाँ से? रीवा से भोपाल।